मिसाल है तेरी, क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही। वे दुबई वाले शेख भी मन्ना की करते, नचती तो तेल वाले खूवार दे। आ शेख ही आ जड़े नंग करते, जट नहीं हुंदे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अंसर अकरम, न्यूज टाइम दुबई यूएई। इस वक्त हमारे साथ जो पर्सनालिटी है वो बॉलीवुड की जानी मानी शख्सियत है और मिसेज इंडिया यूनिवर्स कि वो पॉपुलर टाइटल उनके पास है। आए बात करते हैं मीना असरानी से। हाय मीना। हेलो, हाउ आर यू? क्या हाल है, कैसी हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको न्यूज टाइम के स्टूडियो में वेलकम कहती हूँ। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आपने एक सिंपल सी लाइफ, जो आपकी एक फैमिली का जो बैकग्राउंड है, उससे निकल के आप एकदम ग्लैमर की लाइफ में आई। जरा थोड़ा सा आप इनिशियल स्टेजेस की बातें करते हैं हम आपसे। जी जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड हाँ, आपने सही कहा, मैं एक बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स बेसिकली उत्तर प्रदेश बनारस से हैं। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। एंड हाँ, जैसे कि मैंने बताया, आई बिलोंग टू अ पंडित फैमिली। एंड इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि मुझे वेस्टर्न पहनना भी अलाउड नहीं था। एंड लाइक अ टिपिकल इंडियन वुमन, जैसे कि सोच होती है शादी करना है, शादी करने के बाद लाइक नो पढ़ाई ख़त्म करके शादी करनी है, शादी करके फिर घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं। आई वॉज जस्ट बॉर्न एंड ब्रॉट अप विद द सेम मेंटालिटी। बट हाँ, मेरी कहानी काफ़ी इंडियन लड़कियों से बिल्कुल ही अपोजिट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद लड़कियों के सपनों को एक स्टॉप मिल जाता है, वो आगे बढ़ने की नहीं सोच पाती हैं, उनके विंग्स कट कर दिए जाते हैं। पर नहीं, मेरी कहानी बिल्कुल अपोजिट है। इनफैक्ट शादी के पहले मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपने पैर रख पाऊंगी। बट हाँ, आफ्टर मैरिज मुझे मेरी सपनों को एक उड़ान मिली, आप कह सकते हैं, मुझे विंग्स मिले हैं। और मेरे विंग्स मेरे स्ट्रेंथ हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा मोटिवेट किया है कि देर इज़ नथिंग गुड और बैड, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आपको जो सही लगे वो ही सही होना चाहिए, और उस सोच के साथ मैंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। ये आपका जो है वो शादी के बाद का एक जो मॉडलिंग कैरियर है, और आपके जो हस्बैंड है वो क्या इस बात पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी जो जो ग्लैमर लाइफ है उसमें टाइम स्केड्यूल बड़ा डिफरेंट होता है, तो इससे आपकी जो एक पर्सनल लाइफ है उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो डिस्टर्ब हो रहे हो? नहीं, ऐसा डिस्टर्ब जैसा नहीं हुआ। बट हाँ, कभी कभी लगता है ना कि आपको अपने बच्चों को, आपके हस्बैंड को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और बहुत सारी लेडीज जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर मॉडलिंग या कुछ और करियर करना चाहती हैं, उनको ये इश्यूज होते हैं। बट ये पूरा डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है अपने पति के साथ, उनका कितना सपोर्ट है, बिकॉज वो भी जॉब करते हैं और उन्हें पता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कभी जल्दी आना है, कभी लेट आना है। और जब मैं घर पर नहीं होती हूँ तो ही रिप्लेसेस माई वर्क, जब वो घर पर नहीं होते हैं तो मैं उनकी जगह लेकर अपने बेटे को सपोर्ट करती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ। तो इस तरह हम एक दूसरे को जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप आफ्टर शादी, आपकी बड़ी हैप्पी लाइफ है और आपको जो अपने कैरियर का पहला डेब्यू है वो आपने आफ्टर मैरिज किया, तो कौन सा वो ऐसा पल था जब आपने ये सोचा कि मैं मॉडलिंग लाइन में आऊँ और एक ज़बरदस्त किस्म का स्टार बन के उभरूँ? जी ऐसा था कि पहले तो बॉम्बे से दुबई मूव हुए हम लोग, फिर सेटल होना था, और उसके बाद फिर मुझे बेटा हुआ और मैं बहुत बिजी थी, लाइक यू नो कि सेटल अप, अपने बेटे के साथ सेट होना, और चीज़ें सेटल हो रही थी धीरे धीरे। फिर उसके बाद में देर वॉज अ फंक्शन फॉर दुबई मॉम्स, एंड जब दुबई मॉम्स का फंक्शन था वहाँ पे डांस कंपटीशन था, तो मैंने ऐसे कैजुअली पार्टिसिपेट कर लिया। और वहाँ पे मेरी डांस परफॉर्मेंस देखकर और मेरा ओवरऑल लुक देखकर काफ़ी लोगों ने बोला कि आई डू नॉट लुक लाइक अ मॉम एंड आई शुड बी गोइंग फॉर मॉडलिंग। तो फिर भी मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, सच बताऊँ तो। थैंक यू सो मच। अपना बहुत अच्छा स्ट्रक्चर जो है उसे मेंटेन रखा हुआ, तो वो तो हम आफ्टर इंटरव्यू आपसे टिप्स ले लेंगे कि इसका क्या वजह है कि किस तरह से आपने मेंटेन रखा। अच्छा, तो आपका पहला डेब्यू आपने जब किया, क्या कोई ऐड किया था, कुछ रैंप पे चली थी, मॉडलिंग शो था, क्या था?
जी सबसे पहले तो मेरी एक पाकिस्तानी फ्रेंड है जिनका क्लोथिंग ब्रांड है एंड उनके क्लोथिंग ब्रांड के लिए मैंने सबसे पहला मेरा जो है शूट किया था एंड आई स्टिल रिमेम्बर और वहाँ पर गई वहाँ पे शूट किया वो भी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि एक कर लो फ्रेंड जोन में कर लो तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं इतने लोग पुश कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा तो हाँ मैंने फर्स्ट फोटो शूट किया था वॉज फॉर सारीज एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसके बाद और भी लोगों ने अप्रोच किया पर जैसे कि मैंने बताया आई एम मैरिड आई हैव अ किड तो आई हैव बीन ऑलवेज सिलेक्टिव कि मैं अच्छा काम ही लूँ तो हाँ उसके हिसाब से काम आना स्टार्ट हुआ फिर मुझे पता चला कि मिसेस इंडिया यूनिवर्स का जो है ब्यूटी पेजेंट स्टार्ट होने वाला है 2018 के लिए फिर मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया कि हाँ आई फील लाइक आई एम इंटरेस्टेड ये सॉरी आफ्टर मैरिज की बात है जी बिल्कुल जब आपने ये पार्टिसिपेट किया बिल्कुल मिसेस इंडिया के लिए हाँ जी बिल्कुल और पेजेंट के लिए जाना था तो जैसे कि हर सोसाइटी में एशियन सोसाइटी में होता है कि अ लॉट ऑफ पीपल दे स्टार्ट जजिंग यू कि इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जा रहे हो अकेले घर पर कोई संभालने के लिए नहीं है तो हाँ मुझे भी काफ़ी चीज़ें सुनने आई थी बट लाइक नो टचवुड अपने हस्बैंड का जो सपोर्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उन्होंने मुझे कहा कि यू प्लीज़ गो है डोंट वरी अबाउट पीपल डोंट वरी अबाउट द सन वो मेरा भी बेटा है ऑब्वियसली ही इज़ माय कि अपने हस्बैंड के बारे में उनके कॉर्पोरेट के बारे में आफ्टर मैरिज एक बड़ा अच्छा मैसेज है उन लड़कियों के लिए उन जो नई जो मॉडलिंग मॉडलिंग लाइन में आने वाली लड़कियां हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर उनका आफ्टर मैरिज भी ये चीज़ होती है तो अगर कोऑपरेटिव सिस्टम हो आपकी फैमिली का आपके इन लॉज का तो दिस इज़ वेरी गुड मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा स्पोर्ट है आज के दौर में अच्छा इसके बाद आपने वो एक फ्रेंडली आपको एक ऑफर हुआ आपने उस पर एक एड कमर्शल जो भी है वो आपने किया तो इसके अलावा फिल्म वगैरह में कोई ऑफर्स कोई ऐसी कभी हुई है किसी डायरेक्टर ने आपसे रब्ता किया हो कि आप बहुत अच्छी है आपके पास आप डांसर भी बहुत अच्छी हैं आपने बोला तो कोई चांस ऐसा जी देखिए इसमें क्या हुआ कि जब मैं इंडिया गई थी मेरे पेजेंट के पे हमारे काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं जो जज होते हैं जो ग्रूमर्स भी होते हैं तो आप एक बार अगर फेसबुक पे इससे कनेक्ट हो जाओ तो उस इंडस्ट्री के काफ़ी लोग आपको जानने लगते हैं तो धीरे धीरे करके डेफिनेटली मुझे बहुत सारे ऑफर आते हैं और पहले भी आए हैं बट इसके लिए चीज़ ये होती है कि मुझे बॉम्बे मूव करना होता है बट जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बेटा है और मेरी प्रायोरिटीज़ हैं तो हाँ डेफिनेटली मैं 100% बॉम्बे जाकर इन चीज़ों को नहीं कर पा रही हूँ फिलहाल तो जब तक मेरा बेटा और थोड़ा बड़ा ना हो जाए पर हाँ दुबई में रहकर जो चीज़ें आती हैं अच्छा काम आता है मैं उन्हें मना नहीं करती अच्छा आपने मूवीज़ के लिए तो ये आपने कह दिया क्या छोटी छोटी जैसे सॉन्ग्स होते हैं कुछ ऐसे आपको मिले हैं आपने कुछ सॉन्ग्स वगैरह किए हैं वीडियो सॉन्ग्स ऐसा है पोर्टफोलियो में आपके जी बिल्कुल मैंने पंजाबी एल्बम्स भी की हुई हैं मैंने 3 पंजाबी एल्बम्स किए हुए हैं आप उनके लिंक जो है मेरे पोर्टफोलियो में सारे हैं आप डेफिनेटली जाकर यू कैन एंजॉय द सॉन्ग्स आल्सो श्योर श्योर अच्छा वो कौन सा गाना जरा थोड़ा सा गुनगुना के जरा हमें पता चल जाए कि मीना जी ने जो काम किया है उसके बारे में थोड़ा सा क्या कौन सा वो आपको अच्छा जो सॉन्ग लगा तीनों में से जी मुझे पंजाबी बहुत अच्छी तरह से नहीं आती बट मुझे जो लाइन्स याद है आई डेफिनेटली सिंग ये था कि दुबई के ऊपर एक सॉन्ग था कि एक लड़की कनाडा से दुबई आती है एंड वो ये प्रटेंड करती है कि कनाडा इज बेस्ट बट उसके साथ जो दुबई का उसका फ्रेंड होता है वो प्रूफ करना चाहता है कि दुबई बेस्ट है तो उस पर एक गाना था कि दुबई वाले शेख भी नर्द कर दे ऐसा कुछ सॉन्ग था अच्छा ये तो जबरदस्त हो गया कि आपने जो कैरियर आपका चलता हुआ आ रहा है अच्छा आपने फोटो शूट्स वगैरह भी करवाती हैं काफ़ी आपके पोर्ट्रेट मैंने देखे हैं बहुत सारी जगहों पे और आपका कोई स्पेशल जो आपको बहुत पसंद हो जिसकी फोटोग्राफी होती है जो आप समझते हैं कि उनमें वो स्किल थी जो आपने आज तक की जो फोटो सेशंस हैं तो कोई ऐसा नाम है आपके जहन में अगर आप मेरे फेवरेट फोटोग्राफर्स के बारे में बात करें तो मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूँगी एंड ट्रस्ट मी मिस्टर मुगल मैं सभी जो अपकमिंग मॉडल्स हैं उनको रिकमेंड भी करना मुगल मिस्टर नासिर मुगल राजपूत दौर नहीं नहीं उनका काम भी राजपूत जैसा ही है फ्रेंकली स्पीकिंग मिस्टर नासिर मुगल मैं सबको रिकमेंड करूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर्स के साथ काम किया है एंड अ लॉट ऑफ टाइम यू नो कि फोटोग्राफर्स को वर्क लगता है दे कीप क्लिकिंग 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 एंड ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा दिन निकल जाता है पर अगर मैं मिस्टर नासिर मुगल के बारे में बात करूं तो ही डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड ही नोज कि उनको किस एंगल में कौन सा परफेक्ट क्लिक चाहिए
तो डेफिनेटली 5 से 6 क्लिक एंड यू विल गेट परफेक्ट पिक्चर. और जो पिक्चर क्वालिटी मुझे मिली है उनसे मुझे आज तक किसी फोटोग्राफर से नहीं मिली. वाओ, इसका मतलब कि आप उनके काम से मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं और आप उन पे पूरा बिलीव करती हैं 100% और कॉन्फिडेंट हैं. जबरदस्त. अच्छा, आगे के क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं? कुछ ऐसी है, कुछ स्ट्रेटजीज में चीजें हैं जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स में को आप काम कर रही हैं, या कुछ ऐसी वीडियोस? जी बिल्कुल, एक और टी सीरीज के साथ मेरा म्यूजिक एल्बम आने वाला है जिसके लिए मेरी कोरियोग्राफी आज से स्टार्ट होने वाली है. और उसके अलावा कुछ और पोर्टफोलियो शूट भी हैं और कुछ मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी मैंने शूट करना है. एंड आजकल जैसे कि हम सबको पता है कि टिकटॉक इज ट्रेंडिंग सो मच, तो मेरा फोकस टिकटॉक पर भी है. ओ, टिकटॉक, टिकटॉक तो आजकल बहुत चल रहा है और बड़ा मुझे लग रहा है आप उसकी भी सुपरस्टार हैं. जी ना, सुपरस्टार पर हाँ, अपनी मेहनत से सेल्फी मोड पे वीडियोस बनाकर अभी फिलहाल मैं 65,000 मेरे फॉलोअर्स ऑलरेडी हैं उस पर, और मैं फोकस कर रही हूँ कि उसमें मैं और भी फॉलोअर्स ऐड कर सकूँ. आप और भी करें, हमारी दुआ है. न्यूज टाइम प्लेटफॉर्म पे आपने आज हमें टाइम दिया है, हम तो आपके लिए बेस्ट विशेज रखते हैं. और कुछ न्यूज टाइम के हवाले से कुछ ऐसी जो आपकी बेस्ट विशेज हैं जो दें उनको, कि वो उनको क्या चीजें चाहिए और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, प्लीज कुछ एडवाइजेस न्यूज टाइम के लिए. जी जरूर. सबसे पहले तो नोइंग फ्रॉम माय ओन स्टोरी, मैं एक चीज सारे एशियन पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि आपके घर में जो बहू आती है, तो अगर आप उसे, जैसे मेरी स्टोरी आप ले लीजिए कि मेरे इंडोर्स ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया है, तो आप ये दिमाग में ना रखें कि सिर्फ बेटा ही आपके खानदान का नाम आगे रोशन कर सकता है. मेरा एक लाइव एग्जांपल है आपके सामने, मैं उनकी बहू हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है और दे आर सो 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 प्राउड ऑफ मी. तो प्लीज़ अपनी बहुओं को भी अपनी बेटी की तरह ट्रीट करिए, उनके टैलेंट को समझिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए. ये थी मीना इसरानी और आज इनके साथ इंटरव्यू करके मुझे बहुत चीज़ों के जो पर्दे जो हैं वो उठे हैं कि आफ्टर शादी बहुत सारी लड़कियों की लाइफ जो है वो कंजस्टेड हो जाती हैं, और ये एम्पावरमेंट का भी इन्होंने बहुत अच्छा ज़बरदस्त, लड़कियाँ आफ्टर मैरिज अपने अपने अंदर जो स्किल है, जो पोटेंशियल है वो शो करने के लिए, तो बेसिक इन लॉज का बहुत इसमें हाथ होता है. तो रिक्वेस्ट है आप सब, जितने भी इन लॉज भी होते हैं वो भी आपकी बेटी की तरह होती हैं, वो अपना पूरा घर बार छोड़ के आपके घर में आती है, तो वो भी यही एक्सेप्ट करती है कि आप उनके माँ बाप का रोल अदा करें. कैमरामैन नासर मुगल के साथ अंसर अकरम को इजाजत दीजिए, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे. खुदा हाफिज़.